क्या हुआ था कुंभ में घोटाला? क्या स्टडिया की जमीन में हुआ था गोलमाल? क्या वाकई में हड़प ली गई आपदा राहत की राशि? क्या था पावर प्रोजेक्ट के आवंटन में गड़बड़ झाला? जल्द मिल जाएगा इन सवालों का जवाब। जी हाँ, जान जाएगी जनता हर घपले का सच, क्योंकि दिखा दी गई है घोटालों के जांच के लिए हरी झंडी। 29 मार्च को विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के जिन विधायकों ने उठाई थी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से मांग, वो होने जा रही है पूरी। मुख्यमंत्री ने दे दी है जांच कमेटी के गठन को मंजूरी, फाइल पर लगा दी है कमेटी बनाने की मोहर। सूत्रों की माने तो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी केआर भाटी की अध्यक्षता में बनाई जा रही है जांच कमेटी। आखिर कौन है ये भाटी? भाटी रह चुके हैं स्ट्रेट ट्रिब्यूनल के उपाध्यक्ष, अब भाटी करेंगे कुंभ स्टडिया, आपदा राहत राशि और जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन में कथित घोटालों की जांच। सियासी गलियारों में उठ रहे हैं सवाल, कौन है निशाने पर? किसके राज में हुआ बिजली प्रोजेक्ट के आवंटन का विवाद? किसके राज में विवादित हो गई स्टडिया की जमीन? किसके राज में उठे आपदा राशि के आवंटन पर सवाल? किसके राज में विवादित हो गया कुंभ? तो इन सवालों का एक ही है जवाब, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। जी हाँ, मुश्किल में पड़ सकते हैं निशंक, शुरू हो गई है उनकी घेराबंदी, यही चाहते हैं सत्ता पक्ष के कई विधायक। उन्होंने मुख्यमंत्री से लिखित रूप में मांगी है इन सभी मामलों की सीबीआई जांच, लेकिन सीबीआई जांच कराने से पहले मुख्यमंत्री कर लेना चाहते हैं तसल्ली। वो हो जाना चाहते हैं आश्वस्त कि जिन मसलों को लेकर उनकी सेना जांच कराने पर आमदा है, असल में वो है कितने दमदार। शायद यही वो कारण है जिसके चलते मुख्यमंत्री ने कर दी है जांच कमेटी के गठन की तैयारी। सूत्रों की माने तो कमेटी को सौंपी जा रही एक निश्चित अवधि में जांच की जिम्मेदारी, उसे देनी पड़ सकती है 6 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट। अब ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि जिन मसलों की सत्ता पक्ष जांच कराने जा रहा है उनमें किस हद तक है गड़बड़ झाला। चुनाव से पहले कांग्रेस ने भाजपा राज के उन तमाम कथित घोटालों की जांच का वायदा जनता से किया था। सत्ता पक्ष के विधायकों के उतावलेपन से शायद ये भी जाहिर हो रहा है कि वो भी अपने वोटरों को दे चुके हैं जांच कराने का वचन। अब ये भी देखना होगा कि जिसने मुस्तैदी सत्ता पक्ष के विधायक पूरे सीएम रमेश पोखरियाल निशंक राज के कथित घोटालों की जांच कराने के लिए दिखा रहे हैं, क्या वैसी ही मुस्तैदी वो उन मुद्दों के लिए भी दिखाएंगे जो उनकी पार्टी और उनके खुद के घोषणा पत्र और अपीलों में दर्ज है। नेटवर्क 10 के लिए भावना पंच भैया की रिपोर्ट।